हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया था किसका, डेसिमल टू ऑक्टल का। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन हमारा हो गया था और आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑक्टल टू डेसिम बाइनरी में। ठीक है, कि ऑक्टल से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्जन करें। तो देखिए, देर आर टू मैथड्स टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। दो मैथड्स होते हैं टोटल ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला होता है टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, वी सिंपली मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ ऑक्टल वैल्यू बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड देन एड द वैल्यू वी गेट फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर। अगेन वी कैलकुलेट द बाइनरी वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए प्रोसेसर बता रखा है तो आपको ऐसे इसमें समझ में तो आएगा नहीं और इसमें आपको समझना भी नहीं है। आपको क्या समझना है, प्रैक्टिकली देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमें क्या करना है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें कैसे पता है 601 ऑक्टल में, क्योंकि ये 601 टोटल 0 to 7 डिजिट के अंदर अंदर है और दूसरा इसका जो बेस है वो भी 8 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑक्टल। अब हमें इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 608 है। ठीक है, 608 को सबसे पहले जो इसके प्लेस वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, अगर 8 और भी होते जैसे इसमें तो 3 डिजिट्स ही है, पर अगर मान लो 1 डिजिट और होता तो 8 की पावर 3, इनसे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 0 क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 1। ठीक है, ये देखिए रहा 1। ठीक है, 0 से अपन जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा, तो इसको तो कैंसिल कर देंगे। अब 8 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1 से। तो देखिए 8 की पावर 2 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 601 ऐसे होता, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 मतलब 64 को, 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आएगा हमारा, 384। तो हमारा क्या आंसर बन गया, इनको जब हम ऐड करेंगे 385 किसमें, डेसिमल में। अब ये तो क्या हो गया, डेसिमल में। अब डेसिमल से बाइनरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, उसी मेथड से करेंगे हम, क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे 2 का। देखिए 385 में हमने 2 का डिवाइड लगाया तो 192 आया हमारा आंसर और रिमाइंडर हमारा 1 बचा। ठीक है, ऐसे जब हम डिवाइड लगाते जाएंगे लास्ट में जब हमारा 1 बच जाएगा तो ये हमारा हो गया, तो 1 बचना चाहिए और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ऑटोमेटिकली 1 ही होगा, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे स्टॉप होएगा उसके बाद हमें क्या करना है, उल्टी गिनती करनी है। ठीक है, यहाँ से 1 से जो भी हमारा यहाँ पे 1 बचा है उस यहाँ से, ठीक है, आंसर से हमें पूरा ऊपर तक कंप्लीट स्क्रॉल करके हमें लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बेस वैल्यू लगानी है कि हमने ऑक्टल से किस में कन्वर्ट किया है, बाइनरी में। ठीक है, अगर आप ये बेस वैल्यू नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि बेस वैल्यू 2 है तो बाइनरी है, 10 है तो डेसिमल है, 8 है तो ऑक्टल है, 16 है तो हेक्साडेसिमल है। तो ये सब आपको क्या पता होनी चाहिए बेस वैल्यू, और जब तक आप बेस वैल्यू नहीं लगाएंगे तब तक किसी को भी समझ में नहीं आएगा आपने किस में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब सेकेंड मैथड क्या है, ऑक्टल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ 3 डिजिट। आपको ये पता है कि ऑक्टल नंबर हमेशा 3 डिजिट के कलेक्शन से बनता है, ऑफ अ बाइनरी नंबर, किसके, बाइनरी नंबर के। ठीक है, सच ऑक्टल नंबर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 001। ठीक है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम, सो टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, अगर ऑक्टल कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल टू बाइनरी, वी प्लेस ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल बाय 3 डिजिट कलेक्शन ऑफ अ बाइनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको पूरा। जैसे हमारा ये क्या है, ऑक्टल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे हम 601 इसको अलग अलग लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 1 को हम क्या लिखते हैं, 0 0 और 1। ठीक है, 0 को हम सारी जगह 0 लिखते हैं और 6 को क्या लिखते हैं हम, 1 0 ये हम 6 को लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा किस में लिख दिया, हमने लिख दिया ये, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट बाइनरी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको अगर लॉन्गेस्ट मेथड करना है तो आप वो भी यूज ले सकते हैं। अब ये हम मैंने कैसे लिखा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी टेबल दिखाई थी अच्छे से, आप वहां पे जाके एक बार देख लेना लास्ट वीडियो। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, अब हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में। अभी तो हमने क्या देखा, ऑक्टल से बाइनरी में, अब हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। ठीक है, इसके भी दो मेथड होते हैं सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए टू कन्वर्ट, फर्स्ट मेथड है टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, अगर बाइनरी टू ऑक्टल में हम कन्वर्ट करना है, वी सिंपली मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ ऑक्टल, हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है ऑक्टल डिजिट्स को, वैल्यू बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड देन एड द वैल्यू वी गेट फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन। दिस इज डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, अगेन वी कैलकुलेट द ऑक्टल वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल वैल्यू। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, हम कन्वर्ट करना है हमें इसे,
ये किसमें है, बाइनरी में, क्योंकि इसका बेस क्या है, टू, इसको हमें ऑक्टल में करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सिंपली ये जो भी ये वैल्यू है ना, इसको हम अपनी इसकी प्लेस वैल्यू से कर देंगे। से ये कितने पे है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करते 2 की पावर 8 तक। और जो भी डिजिट है, 1 1 1, 3 टाइम्स 1 है, देन 0, ठीक है, फिर 1 आ गया, 1, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, ठीक है, ऐसे। तो 1 1 जो प्लेस वैल्यू है उनको प्लस करके और पूरा जब एड ऑन करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, हमारा डेसिमल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा होता है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अब क्योंकि हमें ऑक्टल में करना है तो अब क्या करेंगे, हम इसका डिवाइड लगाएंगे। ऑक्टल में करना है तो हम किसका डिवाइड लगाते हैं, हमेशा 8 का। बाइनरी का करना होता है तो हम किस में लगाते हैं, 2 का, ठीक है। अब देखिए ऑक्टल का हमने डिवाइड लगाया तो हमारा क्या बचा, ये 7 बच गया लास्ट में, ठीक है। 8 से 4 6 10 को डिवाइड किया तो 58 आंसर आया और हमारा 5 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। जब 8 को 58 से डिवाइड किया तो 7 हमारा आंसर आया और हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब 8 को 7 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 7 छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहीं से लिखना चालू कर देंगे, कितना लिखेंगे, 7 2 5, ये क्या क्या हो गया हमारा ऑक्टल में, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी है, सेकेंड मैथड देखते हैं। देखिए टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, वी रिप्लेस द 3 डिजिट ग्रुप ऑफ अ बाइनरी बाय इट्स ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। 3 डिजिट को करना होता है, देखिए अब कन्वर्ट करना है ये इनको ऑक्टल एक से के इक्विवेलेंट से, ठीक है। अब देखिए हम 3 3 के पेयर बना देंगे इनमें सब में, 3 3 के पेयर बना के क्या करेंगे, हम लिख देंगे। और जैसे ही हमने 3 3 के पेयर के बनाए, ये हमारा वही आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑक्टल किसे, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, 2 वेज होते हैं, आप किसी भी वे से कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वे से करिए, वो ज़्यादा जल्दी होएगा। और अगर आप कोई थ्योरी पर्पज से अपना RTU का एग्जाम या फिर कुछ भी दे रहे हैं, अपने BTEC या फिर किसी के भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप वो लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल देखेंगे हम, इन हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम 3 इज अ बेस ऑफ 16, क्या देर इज अ बेस ऑफ 16, कितने का बेस होता है, 16 का, बिकॉज देर आर 16 पॉसिबल डिजिट, क्योंकि इसमें 16 पॉसिबल डिजिट होती है, जैसे 0 to 15 तक। ईच डिजिट पोजिशन इन हेक्सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 16, हर क्या करती है, 16 की पावर में होती है। इन ईच हेक्साडेसिमल सिस्टम द नंबर 0 to 9 आर रिप्रेजेंटेड इन देयर नॉर्मल वे, तो क्या होता है, 0 to 9 नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट होता है, बट नंबर 10 to 15 आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। 10 to 15 किस में रिप्रेजेंट होता है, लेटर्स में, A to F। ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज दस इक्वलेंट टू द 4 बाइनरी डिजिट, और एक जो हमारी हेक्साडेसिमल डिजिट है वो किसके इक्वलेंट है, 4 बाइनरी डिजिट की, ठीक है। अब देखिए कैसे, हेक्सा डेसिमल डिजिट, डेसिमल डिजिट और इक्वलेंट 4 बाइनरी डिजिट, देखिए अब 0, देखिए 0, देखिए 0, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में 0 ही लिखेंगे और इसका बाइनरी में क्या हो जाएगा, 4 टाइम 0। 1 को 1 लिखेंगे और बाइनरी में क्या हो जाएगा, 1, मतलब 7 तक तो हमारे सेम होते हैं, ठीक है, बस आगे एक एक 0 एड डाउन हो जाता है, ठीक है। अब 8 में क्या होता है, देखिए 8 में क्या होता है हमारा, 8 सिंगल, देखिए ये होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, खुद में 8 होता है, ठीक है। तो इसलिए बस लास्ट जो 4 वाला है ना 8 का, ठीक है, वो 1 हो जाएगा, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। 9 में क्या हो जाएगा, 8 ऑन होएगा और एक 1 ऑन होएगा, बाकी सारे ऑफ होएंगे, ठीक है। अब हमें 10 करना है, अब देखिए देखिए अब हमें 10 का करना है, ठीक है। 10 को हम A बोलते हैं और A का क्या होएगा भाई, 8 plus 2, ठीक है। तो 8 और 2 की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी ऑफ हो जाएंगी। B में 11 होएगा, तो 8 plus 2 plus 1 ये क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। तो ये सॉरी ये 11 होता है, तो ये ऑन हो जाएंगे, बाकी ऑफ हो जाएगा। 12 में क्या होएगा, एक तो 8 ऑन होएगा और एक 4 ऑन होएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे।
14 में क्या होएगा, 13 में ऐसे ही सेम होएगा, 14 में भी सेम होएगा, 15 में सारे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अपन बाइनरी, अपन अगर हेक्साडेसिमल है हमारे मतलब 15 तक डिजिट्स को हम कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी बोलते हैं 10 को, ठीक है। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल का। अब हम इसके कन्वर्जन्स देखते हैं। देखिए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिंपली डिवाइड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 16 एंड देन राइट डाउन द रिमाइंडर, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी कैन नॉट डिवाइड इट बाय 16 एनीमोर, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में हमें 382 को 10 की 10 इसका क्या है बेस है मतलब डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे सिंपली हम 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से जब 382 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 23 और रिमाइंडर कितना बचेगा 14, और 14 को क्या बोलते हैं हम ई, ठीक है। ऐसे हम 16 को 23 से करेंगे तो 1 बचेगा हमारा आंसर आएगा और 7 हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे वही नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो 17E ये क्या हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल क्या होगा, ठीक है। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वी सिंपली मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड देन ऐड द वैल्यू वी गेट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना हमें 10 की 10 का बेस क्या 16, मतलब ये किस में है हेक्साडेसिमल में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 10 देखिए 10 है 1 है ना हमारा, इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की पावर 1 से एंड 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 की पावर 0 से, ठीक है। वही 16 पावर 0 16 पावर 1 और जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 है तो ये ऑफ हो गया और ये एक 16 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्या हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।